दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, ये टॉपिक बहुत ही प्यारा है, क्योंकि इस टॉपिक में हरियाणा की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 10 वर्षों से भी ज़्यादा बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करने का जो तरीका होगा वो अलग रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि तरीका क्या है, तो देखिए ये आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है पहला। और इस मॉक टेस्ट में मैं आप सभी को 5 सेकेंड का समय दूंगा, और इसमें कुल टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं 50, यानी टॉप 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक प्लीज़ मेरे लिए नहीं, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक लाइक जरूर करें, और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कि किस तरीके से आपको सब्सक्राइब करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए आपको करना क्या है, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। जब तक आप इसे ऑन नहीं करेंगे तब तक आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन कदापि नहीं मिलेगी। तो इसको ऑन जरूर कर लें चैनल को सब्सक्राइब करके। और ये जो आपके जो क्वेश्चन है, ये हरियाणा क्लर्क पुलिस पटवारी यानी हरियाणा की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपका मॉक टेस्ट पहला रहेगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हरियाणवी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प, हरिगंधा, झाड़ू फ्री, हरियाणा संवाद। तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आंसर आपको पुटअप करना है कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, झाड़ू फ्री। अगला क्वेश्चन है कि सोनीपत के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है? बराई, बी गन्नौर, सी गोहाना, डी राय। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी राय। अगला क्वेश्चन है कि थारी पेंशन थारे पास योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन आपके हैं ए 5 जुलाई 2015, बी है 6 जुलाई 2015, सी है 4 अगस्त 2015, और डी है 9 मई 2015। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, 4 अगस्त 2015। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हरियाणा की खेल नीति 2015 में शामिल किया गया है? ऑप्शन आपके सामने 4 है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी स्थापित की जा रही है? गन्नौर, पंचकूला, रोहतक, गुड़गांव। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, गन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ और प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके हैं मुरथल, सोनीपत, बी है पानीपत, सी है करनाल, डी है कुरुक्षेत्र। तो बताइए आंसर क्या होगा। आशा करते हैं आप लोगों ने आंसर क्लियर कर लिया होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, मुरथल सोनीपत। अगला है क्वेश्चन कि हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये बा होगा या खा नहीं होगा। ऑप्शन आपके हैं 1947, बी है 2 फरवरी 1966, सी है 4 मार्च 1947, और डी है 1 फरवरी 1969। आंसर ऑप्शन आपके सामने 4 है, और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करते हैं आप लोगों ने आंसर क्लियर कर लिया होगा। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 1 फरवरी 1969। अगला क्वेश्चन है कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार पूछा गया है क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में। हरियाणा की आप कोई परीक्षा उठाकर देख लें, ये क्वेश्चन आपको 100% श्योर मिलेगा। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? थानेश्वर या गरोड़ा, गन्नौर या जगाधरी। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, थानेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह 2016 में कब मनाया गया?
10 से 16 फरवरी, 12 से 18 मई, 10 से 16 जनवरी, 13 से 16 जनवरी। तो क्या आंसर होगा? आंसर देखते हैं, आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 10 से 16 जनवरी आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त रिसालदार बदलू सिंह का संबंध कहाँ से था, कहाँ से है? रोहतक, ढाकला, झज्जर, सोनीपत, करनाल। आशा करते हैं आप लोगों ने आंसर क्लियर कर लिया होगा। आंसर हो जाएगा इसका बी, ढाकला, झज्जर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 44, 54, 66 या 77? देखते हैं क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी, विधान हरियाणा गठन के समय विधानसभा की सीटें थी 54। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली काबूजिए किस देश का निवासी था? जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी स्पेन। तो ये किस देश का निवासी था? आंसर देखते हैं, आंसर हो जाएगा आपका बी फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? रोहतक, बी कुरुक्षेत्र, सी हिसार, डी गुड़गांव। आशा करते हैं आप लोगों ने आंसर क्लियर कर लिया होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहतक। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सरस्वती, साहिवी, यमुना या मारकंडा? तो कौन सी नदी है? आंसर हो जाएगा आपका सी, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? 8 मई 2015, 8 मई 2014, 8 मई 2016, 8 मई 2013। आशा करते हैं आप लोगों ने आंसर क्लियर कर लिया होगा। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर आपका हो जाएगा ए, 8 मई 2015। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कितनी लोकसभा की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3, 5, 2 या 6? देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? ऑप्शन आपके हैं कृषि, बी है सूचना एवं लोक संपर्क, सी है उद्योग, डी है साहित्य अकादमी। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका पी, सूचना एवं लोक संपर्क। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा, हरियाणा संदेश, कायाकल्प, पाचनजय। आशा करते हैं आप लोगों ने आंसर क्लियर कर लिया होगा। आंसर आपका हो जाएगा ए, हरिगंधा। 19वां क्वेश्चन आपका ये रहा, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीत, रोहतक, सोनीपत, करनाल। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर आपका हो जाएगा ए, जीत। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव के गुरु कौन है? ऑप्शन आपके हैं आचार्य राजेंद्र, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है आचार्य बालकृष्ण, डी है आचार्य बलदेव। आशा करते हैं आप लोगों ने इसका आंसर क्लियर कर लिया होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, आचार्य बलदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन आपके हैं संतोष यादव रेवाड़ी, सुनीता शर्मा, मलेश्वरी या ममता खरा। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका संतोष यादव रेवाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तीतर, मोर, तोता, चिड़िया। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका एक, काला तीतर।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? सुर सम्मान, व्यास पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, भीम पुरस्कार। आशा करते हैं आप लोगों ने आंसर क्लियर कर लिया होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, सूर सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती। तो हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? ऑप्शन आपके सामने चार हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और आंसर क्लियर करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग। तो आंसर क्लियर करता हूं मैं, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि हेपेटाइटिस 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहा जाता है? मकर संक्रांति, होली, दिवाली, बैसाखी। तो किसे कहा जाता है? देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, मकर संक्रांति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरखौदा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया था? ऑप्शन आपके हैं नार सिंह, खेमचंद राव तुलाराम, रिसालदार विरासत अली। तो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। आंसर हो जाएगा इसका डी, रिसालदार विरासत अली। अगला क्वेश्चन है, 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के? ऑप्शन आपके हैं असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं आप लोगों ने आंसर क्लियर कर लिया होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, नमक सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय जर्जर नवाब कौन था? ऑप्शन आपके हैं नवाब अब्दुर रहमान खान, नाहर सिंह, सहरुद्दीन या बंदा बहादुर। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, हर्ष का टीला तथा कर्ण का टीला कहां पर है? ऑप्शन आपके हैं रोहतक, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, थानेश्वर। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका थानेश्वर। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा फिज खां का मकबरा कहां पर है? सोनीपत, करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका सोनीपत। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की गई है? करनाल, रोहतक, जींद, कुरुक्षेत्र। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, करनाल। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला नंद घर कहां पर स्थापित किया गया है? जींद, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, हसनपुर, सोनीपत, करनाल। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा सी आपका, हसनपुर, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर जयंती मनाई जाती है श्रावण शुक्ल द्वितीय, फागुन कृष्ण एकादशी, भाद्र पंचमी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। आशा करते हैं आप लोगों ने इसका आंसर क्लियर कर लिया होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुख भंजनेश्वर मंदिर अवस्थित है यमुना नगर, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र। तो ये कहां पर स्थित है? आंसर देखते हैं, आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि दाऊ जी का मंदिर किसकी स्मृति में बनवाया गया था? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव या भगवान बलराम। आंसर देखते क्या होगा। आंसर आंसर हो जाएगा इसका डी, भगवान बलराम। अगला क्वेश्चन है कि बुढ़िया का रंगमहल अवस्थित है यमुनानगर में, सिरसा में, भिवानी, रोहतक। ये कहां पर अवस्थित है? देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा इसका ए, यमुनानगर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस नगर को वाबड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? यमुनानगर, नारनौल, कैथल,
सुहाना गुड़गांव। तो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि नारनौल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वर्ष 1972, वर्ष 1976, वर्ष 1980, वर्ष 1985। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा इसका ए, वर्ष 1972। अगला क्वेश्चन है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 19 मार्च 2015, 19 अप्रैल 2015, 19 मई 2015, 19 फरवरी 2015। तो राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 19 फरवरी 2015। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 19वां, 20वां, 21वां या 22वां? तो आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर आंसर हो जाएगा सी, 21वां। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित है? रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, जर्जर, सोनीपत। रोहतक, रोहतक, हिसार, भिवानी, डी है करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र। आशा करते हैं आप लोगों ने इसका आंसर क्लियर कर लिया होगा। आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि यक्षिणियों की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? पलवल, भादस्त, हथी, ये सभी। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि ये सभी, पलवल, भादस्त और हथी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भक्त पूरणमल का मेला गुड़गांव से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? काशन खीरी, इस्लामपुर या मुबारकपुर? तो किस स्थान पर आयोजित किया जाता है ये पूछा जा रहा है। आंसर देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा काशन। 45 क्वेश्चन है आपका कि महर्षि च्यवन की तपोभूमि महेंद्रगढ़ पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने चार है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग एक बार और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, तोशी का मेला। अगला क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या होगा। चलिए मैं आंसर क्लियर करता हूं। आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, यमुना नगर। अगला, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। आंसर देखते हैं क्या होता है। आंसर हो जाएगा आपका 11 अक्टूबर 2014। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2005, 2 अक्टूबर 2000, 15 दिसंबर 2002, 15 सितंबर 2007। आंसर क्या होगा। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। आंसर हो जाएगा इसका बी, 49 क्वेश्चन है कि हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक या प्रधानमंत्री? तो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस मॉक टेस्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन काल में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले मेजर उमराव सिंह का संबंध कहां से है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आंसर मैं क्लियर करता हूं, आंसर हो जाएगा इसका बी, कोसी झरझर। तो दोस्तों ये था आपका मॉक टेस्ट पहला, जिसमें मैंने आपके सामने कुल 50 क्वेश्चन शेयर किए। तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इन 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।